हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद आकाश। सो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यार जेईई मेंस 2020 के ड्रेस कोड को लेकर। भैया ड्रेस कोड, हाँ यार ड्रेस कोड को लेकर, ठीक है। सो हम सभी लोग जानते हैं कि यार जेईई मेंस जो अप्रैल में होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ठीक है। तो सेवरल टाइम्स वो पोस्टपोन हुआ है, बट फाइनली अभी तक जो भी डिसीजन आ रहा है राइट नाउ इज दैट की हमको ये एग्जाम देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। सितंबर की फर्स्ट वीक से लेके मींस फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेके सिक्स ऑफ सितंबर। बट इसके साथ साथ यार जो एनटी है यार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने यार एक ड्रेस कोड लॉन्च किया या फिर एक ड्रेस कोड दिया है फॉर ऑल अपकमिंग या फिर अपीयरिंग 2020 जेईई मेन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो चलो यार देख लेते हैं क्या क्या ड्रेस कोड दिया गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। मैं पूरे बिगिनिंग से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जाएंगे, बट बहुत सारे इस साल के भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यार एग्जाम्स जनवरी में दिया था, ठीक है। बट अप्रैल का एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट अपीयर किया था। सो मैं एकदम फर्स्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ जेईई मेन्स का एग्जाम डे का कुछ गाइडलाइन है पहले बोलेंगे, नंबर टू बोलेंगे ड्रेस कोड, ठीक है। तो यार अक्सर क्या होता है, तो जितने सारे स्टूडेंट्स अभी तक जेईई मेंस दिए हो या फिर जितने सारे स्टूडेंट्स अभी तक जेईई मेंस एस्पिरेंट स्टूडेंट हो, यार एक बहुत खराब चीज है कि जो पेरेंट्स लोग है ना यार, ये सब लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम सेंटर होता है उसके आगे जाके बहुत ज्यादा भीड़ करते हैं, ठीक है। मतलब दे आर मेकिंग दैट प्लेस टू मच क्राउडेड, जो हमको इस सिचुएशन के अंदर करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए एनटी ने पहला एडवाइस दिया कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट एग्जामिनेशन सेंटर वन डे बिफोर द डे ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि यार बहुत सारा टाइम में ऐसे हो सकता है कि यार गाड़ी नहीं मिल सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने लोग ट्रैवल कर रहे हो या फिर करोगे तुमको यार सही से यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, सेकेंड पॉइंट यार सबको पता है कि जो एडमिट कार्ड होता है यार जेईई मेंस का एडमिट कार्ड निकालता है, ठीक है, मतलब एक महीना पहले बिफोर एग्जाम्स, तो उसको प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन द एग्जामिनेशन। ये कुछ बेसिक्स है, बट अभी कोरोना के मामले में कुछ स्पेशल चीजें फिर कुछ स्पेशल गाइडलाइन एनटीए ने या फिर जेईई मेंस ने अप्लाई किया है। ये है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एसेंशियल आइटम्स दैट हेल्प देम टू स्टे सेफ। तुमको सैनिटाइजर कैरी अप करना है, तुमको ग्लव्स लेके जाना है, तुमको मास्क पहन के एग्जाम्स देना है, सब कुछ लिखा है इसके अंदर, ठीक है। एंड तुमको अपने यार वाटर एंड फूड स्टफ, पहले यार क्या होता था जब मैं जेईई मेंस दिया था, ऑन दैट केस तुमको वाटर वो लोग प्रोवाइड करता था, बट राइट नाउ दे विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू वाटर, ठीक है, मतलब पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तुमको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं पहले ही बात किया इसको लेके, इज दैट कि स्टूडेंट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल कॉस्ट टू अवॉइड क्राउडिंग, द गेट्स इज इन हरी टू बी सेटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं गेट के सामने आके भीड़ करते, तो मैं सबको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा अपने पेरेंट्स को, एक बात बोलना कि राइट नाउ जिस सिचुएशन से हम जा रहे हैं इस सिचुएशन से ऑल्दो एग्जाम देना इज वेरी मैंडेटरी और वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज अगर इस साल एग्जाम्स नहीं दिया तो सेकेंड ईयर में मतलब अगर तुम नेक्स्ट साल एग्जाम दोगे दैट के बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि सेट लिमिटेड रहेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा एक दिक्कत है बोल सकते हो, ठीक है, बट नेवर द लेस यार तुमको इस चीज को मेंटेन अप करना है, ठीक है। इसके साथ यार सबको पता है कि यार कुछ भी यार कुछ मटेरियल ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन वगैरह अलाउड तो एकदम से नहीं है, बट इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट मस्ट रीच एग्जामिनेशन वेन्यू वन आवर इन एडवांस, मीन्स एक घंटे पहले जाने के लिए सबको बोलता है यूजुअली जो एडमिट कार्ड के अंदर रहता है। बट ड्रेस कोड को मामले में इस साल थोड़ा बदल आया है, ठीक है। पहला है कि तुम तो कुछ ज्वेलरीज वगैरह पहन नहीं सकते हो, मतलब अगर मैं बोल लो अगर किसी का मेरे तरह से कुछ अंगूठे वगैरह है यार ये खुल के जाना, मतलब रख के जाना, ठीक है, पहन के मत जाना, प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ अगर किसी यार मतलब अगर कोई गर्ल हो जिसका है थोड़ा ऑर्नमेंट्स या फिर ज्वेलरी पहनते हो उसको भी यार ओपन अप करना है, मीन्स उसको यार पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये एक बात है। अच्छा इसके साथ यार यू कैन नॉट वेयर एनी कफ मफलर और एनी अदर क्लोथ्स बोल सकते हो, ये कुछ इश्यूज है जो यार अभी नहीं कर पाएंगे तुम। एंड इसके साथ सब लोग जानते हो कि हैंड बैग्स एंड ये सब कैरी अप करना अलाउड नहीं है। सो दिस इज अ ऑफिशियल ड्रेस कोड, मीन्स मास्क पहनना है, सैनिटाइजर ले जाना है, अपना पानी ले जाना है, एंड नॉर्मल सा यार जीन्स मतलब कुछ भी पहन के जाओ, बट थोड़ा डिसेंट ड्रेस पहन के जाओ, नंबर वन। नंबर टू, ऐसा कुछ पहन के मत जाना यार जो तुम्हारे को भी खतरा हो सकता है, मीन्स कोरोना के मामला चल रहा है तो यार समझ रहे हो जितना अपने बॉडी को कवर अप करके जा सकते हो वही बेहतर है। एग्जाम सेंटर में जाके किसी से बात जितना हो सके कम करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और यही सब कुछ गाइडलाइंस
प्लस ड्रेस को जो मैंने ऑलरेडी बात किया, यही सब ऑलरेडी दिया गया है इन दिस NDS थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुमको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा इस न्यू चैनल में अच्छा अच्छा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो डालने के लिए। ठीक है, सो तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।